सो है एवरीवन, गुड इवनिंग, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, शाम के बज रहे हैं 6 और मैं हाइड्रोकार्बन पढ़ने जा रहा हूँ। इसके सारे क्वेश्चंस अभी हमसे अच्छे से लग नहीं पाते, कुछ जगह प्रॉब्लम होता है, दैट्स वाई मैं सोचा इसको एक बार और कर लेते हैं। एक बार या दो बार ही क्यों, हमें जितनी बार हो सके उतना बार पढ़ना चाहिए, क्योंकि जब हम किसी चीज़ को बार बार करते हैं, मैनी टाइम्स उसको देखते हैं, विजुअलाइज करते हैं, तो जो इन्फॉर्मेशंस होता है वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में जाता है और एक स्ट्रांग इमेज बन जाता है दिमाग में, जो लंबे टाइम तक याद रहता है। तो एक बार करने से कुछ होने वाला नहीं है, हमें बार बार उसको रिवाइज करना पड़ेगा। इट डिमांड्स मोर टाइम रिविजन। गाइस, ये देखिए, आज मैं पनीर बनाने जा रहा हूँ। सच कहूँ तो पनीर मुझे बहुत पसंद है, मेरा फेवरेट कह सकते हैं। सो गाइस, पनीर बनके रेडी हो गया है, आप देख सकते हैं। मैंने इसका मैकेनिज़म तो नहीं दिखाया क्योंकि मुझे डर है कहीं आप काफ़ी ना कर लें। तो चलिए जल्दी से इसको खाते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। गाइस, डिनर तो हो गया, अब चलिए फिजिक्स भी पढ़ लेते हैं। फिजिक्स में आज मैं बेसिकली लॉज ऑफ मोशन पढ़ने वाला हूँ। आज इसको कम्प्लीट रिवाइज करेंगे और क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। गाइस, ठंड का महीना ज़रूर है, रजाई से निकलने का मन भी नहीं करेगा, लेकिन आपको उठना पड़ेगा, ठंड में भी आपको पढ़ना पड़ेगा। अपने बड़े से सपने के लिए आपको ठंड से लड़ना पड़ेगा। यदि आप सिर्फ ठंड की वजह से अपनी पढ़ाई को टाल रहे हो तो आपका सपना झूठा है, आपका सपना कमज़ोर है। यदि आपको सपनों को पूरा करना है, अपने सपनों की लाज बचानी है, तो आपको देर रात तक या सुबह जल्दी उठकर पढ़ना ही पड़ेगा। खुद के भीतर पढ़ाई का गर्मी पैदा करो यार, ठंडी अपने आप भाग जाएगी। और जिस चीज़ के लिए घर छोड़े हो, अपने माँ बाप से दूर हो, उस चीज़ को पार्टिसिपेट करो यार। इसे सिर्फ इसलिए मत छोड़ देना कि यार कठिन है, नंबर ऑफ सीट कम है, कंपटीशन ज़्यादा है। आपको सिर्फ एक सीट चाहिए, आपको सिर्फ एक सीट के लिए लड़ना है, और वो सीट आपको कोई लाकर देगा नहीं, उसे हासिल करना पड़ेगा। और जो चीज़ आपको तंग कर रही है, आपको परेशान कर रही है, उसके पीछे आप पड़ जाओ और एक दिन वो आपसे खुद हार जाएगी। ये रियलिटी है यार, झुकती है दुनिया, बस झुकाने वाला चाहिए। और दूसरों को देखकर कभी होपलेस मत होना कि यार वो तो हमसे भी तेज है, वो हमसे भी अच्छा है। यदि आज वो आपसे अच्छा है, आपसे तेज है, तो ज़रूर वो आपसे पहले आपसे ज़्यादा मेहनत किया होगा। कोई जन्म से तो ऐसा नहीं होता यार, ऊपर वाला इतना भी अन्याय नहीं करता किसी के साथ, वो सबको हीरा बनाया है। जो जितना घिसेगा उतना ही चमकेगा। तो काबिलियत जन्म से नहीं होती, इंसान अपनी काबिलियत खुद बनाता है, अपने मेहनत से, अपने संघर्ष से। गाइस, रात के बज गए हैं 1 और फिजिक्स मैंने पढ़ लिया है, और हर बार की तरह आज भी मुझे भूख लग गई है। तो चलिए आज की रात दाने से ही काम चला लेते हैं। वैसे इस समय रूम पर बहुत कुछ अवेलेबल है खाने को, तो सोचना नहीं पड़ता। अब देखो, बता दिया तो चले मत आना रूम पे कि चलो चलो, मैंने अपने लिए रखा है। गाइस, दाना तो हमने खा लिया, अब चलिए 1 घंटे बायोलॉजी पढ़ लेते हैं, देन सोएंगे। बायो में बेसिकली मैंने सेल डिवीजन चैप्टर लिया है, इसके नोट्स मैंने ऑलरेडी पढ़ रखे हैं, सिर्फ NCERT पढ़ना है एक बार। सो गाइस, आप भी कंटिन्यू पढ़ाई करते रहिए और अपने सपनों की चिंगारी को कभी बुझने मत देना यार, लड़ते रहना, यही ज़िंदगी है। अंत में यही कहेंगे कि ज़िंदगी में उस लेवल तक पहुंच जाओ कि आपको छोड़ने वाला पूरी ज़िंदगी पछताए। थैंक यू सो मच।